इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सेल की जो टॉप शॉर्टकट कीज कौन सी हैं और शॉर्टकट कीज को यूज करते हुए आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इनहेंस हो जाती है और आप शॉर्टकट कीज को यूज करते हुए विद इन सेकेंड जो है अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखते हैं जी जो शॉर्टकट कीज कौन कौन सी है, इसमें फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली जो शॉर्टकट कीज है पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली जो शॉर्टकट कीज हैं उनमें आप किसी भी स्प्रेडशीट को क्लोज करना चाहें तो उसके लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की जो शॉर्टकट की है वो यूज होती है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एक एक्सेल की वर्कबुक को या एक स्प्रेडशीट को ओपन करता हूं। ये हमारे पास एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन हो गई है। अगर मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को प्रेस करता हूं तो मेरी ये एक्सेल की जो वर्कबुक है या स्प्रेडशीट है ये क्लोज हो जाएगी। आप अपनी स्प्रेडशीट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की शॉर्टकट की को यूज करते हैं। नेक्स्ट है ओपन अ स्प्रेडशीट, किसी भी स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ जो है वो शॉर्टकट की यूज की जाती है। अगर मैं कंट्रोल प्लस ओ को प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये एक फाइल वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है। आप यहां पे आके जो आपने पहले सेव की हुई है या आप रिसेंटली जिस फाइल को यूज कर चुके हैं या आप रिसेंटली जिस फाइल को यूज करके काम कर चुके हैं आप वो फाइल को उस वर्कशीट को आप रीओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेव अ स्प्रेडशीट, सेव करने के लिए किसी स्प्रेडशीट को जिसपे आप वर्किंग कर रहे हैं उसके लिए कंट्रोल प्लस एस की कॉम्बिनेशन की या जिसको आप शॉर्ट की बोलते हैं वो यूज होती है। आप ड्यूरिंग वर्किंग अगर कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते हैं तो आपका डाटा जो है वो साथ ही साथ सेव होता रहता है। इससे पहले आपको ऑटो सेव करना पड़ेगा या आपको पहले सेव करने के लिए उसकी लोकेशन देनी होगी। जैसे ही आप अपने जो पर्सनल कंप्यूटर में या लैपटॉप में या किसी भी सिस्टम में आप फाइल पे काम करने से पहले आप एमएस एक्सेल की फाइल पे काम करने से पहले आप उसको लोकेशन दे देते हैं जहां पे आपने सेव करवानी है। उसके बाद आप ड्यूरिंग वर्किंग जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एस की पुश करते हैं तो आपका जो डाटा होता है उस स्प्रेडशीट पे वो सेव हो जाता है। नेक्स्ट है कॉपी, कॉपी करने के लिए किसी भी डाटा को एक सेल से या पूरी वर्कशीट से किसी डाटा को कॉपी करने का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस सी। अगर आप इसको यहां पे लेट्स सपोज ये एक सेल में कोडेनिक्स एक डाटा लिखा हुआ है इसको मैंने कॉपी करना है तो उस सेल पे क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस सी प्रेस करूंगा तो वो डाटा कॉपी हो जाएगा। जैसे ही कॉपी होगा तो ये हमारा जो इसकी आउटलाइन है वो मूव करती हुई हमें नजर आएगी। अब कॉपी करने का मकसद ये है कि वो डाटा उस सेल में भी मौजूद रहेगा और वो डाटा जो है वो कॉपी भी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेस्ट, अब ये डाटा हमने कॉपी किया है अब मैं इसको इस सेल में F6 में पेस्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस वी। अगर मैं कंट्रोल प्लस वी प्रेस करता हूं तो वो डाटा जो इस D6 में था वो सेम डाटा F6 में पेस्ट हो गया है। अब ये था कॉपी के बाद पेस्ट करने का मेथड या पेस्ट करने की शॉर्टकट की। सेव करते हैं इसको कंट्रोल एस प्रेस करके। इसके बाद है कट, कट करने की शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस एक्स। लेट्स सपोज ये एक डाटा सेट है इसको मैं अगर कंट्रोल प्लस एस प्रेस करता हूं तो इसकी आउटलाइन जो है वो मूव होती नजर आ रही है। इसके बाद अगर मैं इसको किसी दूसरे सेल में पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल प्लस वी करके तो जो डाटा सेट हमने पेस्ट किया है वो पहले डेटा सेट में मौजूद, जो डेटा सेट हमने अब पेस्ट किया है वो डेटा सेट जो ओरिजिनल प्लेस पे डेटा मौजूद था वहां से कट होके पेस्ट हुआ है। कॉपी और कट में क्या फर्क होता है, कॉपी में जस्ट डेटा सेट ओरिजिनल प्लेस पे मौजूद होते हुए सिर्फ और सिर्फ कॉपी होता है और उसको हम पेस्ट जब करते हैं किसी दूसरी प्लेस पे तो वहां पे भी मौजूद हो जाता है, पेस्ट हो जाता है और ओरिजिनल प्लेस पे भी मौजूद रहता है। लेकिन कट में उसकी ओरिजिनल प्लेस से डाटा जो है वो रिमूव हो जाता है और जो प्रेजेंट प्लेस होगी वहां पे पेस्ट हो जाएगा। अंडू और रीडू, अंडू की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस जी है। अगर आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे तो जो आपने स्टेप पहले किया है परफॉर्म वो अंडू हो जाएगा, मतलब वो डिलीट हो जाएगा, मतलब के वो स्टेप जो है वो डिलीट हो जाएगा।
कंट्रोल प्लस जी प्रेस करता हूं तो मेरा जहां पे मैंने डाटा सेट कट करने के बाद पेस्ट किया था वहां से रिमूव होके अपनी ओरिजिनल प्लेस पे जहां से हमने कट किया था वहां पे मौजूद हो गया। अब उसके बाद है रीडू। रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई की है, कंट्रोल प्लस वाई करता हूं तो मेरे पास जो स्टेप मैंने इससे पहले मतलब के रिमूव करके उसको ओरिजिनल प्लेस पे किया था कंट्रोल प्लस वाई करता हूं तो वो फिर दोबारा स्टेप परफॉर्म हो जाता है। इन शॉर्टकट्स के अलावा यहां पे आपके पास ऑटो सेव के साथ ये जो यू टर्न टाइप दो एरो साइन है ये अंडू और रीडू के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है डिलीट अ कॉलम। किसी भी कॉलम को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, लेट्स सपोज एफ कॉलम जो है मैं ये डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट कॉलम करने के लिए इसकी जो शॉर्टकट की है वो है आल्ट प्लस एच। पहले आपने आल्ट प्लस एच प्रेस करना है, आल्ट प्लस एच प्रेस करते हैं तो मेरे पास यहां पे ये कुछ शॉर्टकट्स के जो कीज हैं वो शो हो रही हैं। उसके बाद है डी प्रेस करना है, इसका मतलब ये है कि इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद जो आल्ट प्लस एच हमने पुश की है कि वो हमें होम टैब पे ले गई है। होम टैब पे जाने के बाद डी पुश करना है, डी मतलब यहां पे डिलीट। डी प्रेस करना है, डी प्रेस किया तो ये डिलीट वाले ऑप्शन पे आ गई है। अब यहां पे अगर मैं डी अगेन प्रेस करूंगा तो जस्ट एक सेल डिलीट होगा। अगर मैं सी प्रेस करूंगा तो मेरा पूरे का पूरा कॉलम डिलीट होगा। अब हमने चूंकि कॉलम डिलीट करना है तो मैं अगर यहां पे सी प्रेस कर दूंगा तो हमारे पास कॉलम डल हो जाएगा। उसके बाद अगर एस प्रेस कर देता हूं तो एस प्रेस करने के बाद पूरी की पूरी ये वर्कशीट डिलीट हो जाएगी। बट हमने यहां पे जस्ट कॉलम को डिलीट करना है, मैं यहां पे सी को प्रेस करता हूं तो मेरा वो पहला जो कॉलम था वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से रो को डिलीट करना है तो आल्ट प्लस एच को प्रेस करने के बाद डी को प्रेस करेंगे और फिर आर को प्रेस करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल में 19 को हाईलाइट करता हूं, हाईलाइट करने के बाद आल्ट प्लस एच प्रेस किया, उसके बाद मैंने डी प्रेस किया है और उसके बाद आर प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं आल्ट प्लस एच प्रेस किया है, उसके बाद मैंने डी प्रेस किया है, डी के बाद मैं डिलीट शीट रो वाला जो आर है उसको प्रेस करता हूं तो मेरी आप देख सकेंगे कि वो रो जो है वो डल हो गई है। उसके बाद है जी डिलीट अ शीट। एक शीट ओपन करते हैं और ये शीट मैंने ओपन की है, इस शीट को मैं डिलीट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, आल्ट प्लस एच प्रेस करूंगा, डी प्रेस करूंगा और फिर शीट को डिलीट करने के लिए मैं अगेन एस प्रेस कर दूंगा तो मेरी जो शीट थी वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद है जी गो टू फार्मूला टैब। फार्मूला टैब जो है ये टूल बार मेन्यू में अगर देखें ये फार्मूला टैब है। अब होम टूल बार मेन्यू पे हूं मैं और मैं ये चाहता हूं कि फार्मूला टैब पे मूव कर जाऊं तो आल्ट प्लस एम अगर मैं प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली मैं फार्मूला टैब पे मूव कर जाऊंगा। उसके बाद आपको ये जो कीज शो हो रही है, जैसे अगर आप फंक्शन इंसर्ट फंक्शन करना चाह रहे हैं कोई तो आप एफ प्रेस करेंगे तो फंक्शन इंसर्ट हो जाएगा, ऑटो सम करना चाह रहे हैं तो यू प्रेस करेंगे, रिसेंटली यूज जो भी फंक्शन है उसके लिए आप आर प्रेस करेंगे, फाइनेंशियल के लिए आई और इसी तरीके से रिस्पेक्टिव की जो है वो रिस्पेक्टिव ऑप्शन के लिए शॉर्टकट है। अब अगर मैं अब फार्मूला बार पे मौजूद हूं, फार्मूला मेन्यू पे मौजूद हूं, अगर मैं चाहता हूं कि होम टैब पे जाना है तो आल प्लस एच प्रेस करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है या कर्सर है वो कहां पे मूव कर जाएगा, होम टूल बार मेन्यू पे। इसके बाद है जी नेविगेट इन सेल्स। नेविगेट करने के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट कीज है वो देखते हैं। सबसे पहले जी मूव वन सेल टू द राइट इन अ वर्कशीट और इन प्रोटेक्टेड वर्कशीट और मूव बिटवीन अनलॉक्ड सेल। लेट्स सपोज मेरा जो कर्सर है वो इस A16 सेल पे मौजूद है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इससे नेक्स्ट सेल पे राइट साइड पे जो नेक्स्ट सेल है उस पे मूव करूं, उसके लिए मैं टैब प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट सेल पे मूव कर जाएगा, अगेन टैब प्रेस करता हूं तो उससे नेक्स्ट पे चला जाएगा, अगेन टैब प्रेस करता हूं तो उससे नेक्स्ट सेल पे कर्सर जो है वो मूव कर जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी मूव वन सेल टू द लेफ्ट इन अ वर्कशीट और द प्रीवियस ऑप्शन इन अ डायलॉग बॉक्स। अगर आप इस D16 से आप D C16
B16 या A16 पे मूव करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो प्रीवियस सेल पे मूव कर जाएगा। इसके बाद है जी मूव टू द लास्ट सेल इन द वर्कशीट और द प्रीवियस ऑप्शन ऑफ द डायलॉग बॉक्स। अगर आप जो आपकी वर्कशीट है जिसपे आपने काम किया हुआ है जहां तक आपका डाटा सेट मौजूद है उसके लास्ट सेल पे मूव करना चाहते हैं तो आप यहां पे किसी भी सेल पे क्लिक करते हुए कंट्रोल प्लस एंड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो लास्ट सेल पे मूव कर जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट सेल पे मूव करना चाह रहे हैं या बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट पे मूव करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस होम की पे प्रेस करेंगे तो आपका फर्स्ट सेल पे जो कर्सर है वो मूव कर जाएगा। उसके बाद है जी मूव टू द नेक्स्ट शीट इन अ वर्कबुक। किसी भी नेक्स्ट वर्कशीट में जो वर्कबुक आप यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट वर्कशीट में मूव करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। पेज डाउन करेंगे तो आपका नेक्स्ट वर्कशीट पे मूव कर जाएगा। आप देख सकते हैं कि पहले अगर मैंने शीट वन पे रखा है कंट्रोल प्लस पेज डाउन कर रहा हूं तो मेरा नेक्स्ट वर्कशीट पे कर्सर जो है मुझे मूव कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप बैक वर्कशीट पे मूव करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस पेज अप पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो प्रीवियस वर्कशीट पे ले जाएगा, जिस वर्कशीट में आप मौजूद हैं उससे पहले वाली वर्कशीट पे। नेक्स्ट आई मूव टू द एज ऑफ द करंट डेटा रीजन इन अ वर्कशीट। अगर आप अपनी वर्कशीट के डेटा रीजन के लास्ट एज पे मूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एरो की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एरो की। अगर आप डेटा सेट के एक्सट्रीम लेफ्ट सेल पे मूव करना चाह रहे हैं तो मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा, और अगर आप एक्सट्रीम अपर सेल में मूव करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस अप एरो की प्रेस करूंगा, अगर आप एक्सट्रीम डाउन जो है सेल उस पे मूव करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करूंगा, एक्सट्रीम राइट साइड पे मूव करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस करूंगा। उसके बाद है जी मूव वन स्क्रीन अप इन द वर्कशीट। वन स्क्रीन अप करने के लिए वर्कशीट का जो शॉर्टकट की है वो है पेज अप। अगर मैं पेज अप प्रेस करूंगा तो अब यहां पे मेरे पास A23 सेल तक वर्कशीट का जो स्क्रीन है वो शो हो रही है। अब यहां पे अगर मैं पेज डाउन प्रेस करूंगा तो 24 सेल नंबर से आगे मुझे 46 तक या 47 तक शो हो रहा है। फिर पेज डाउन मूव प्रेस करता हूं तो 47 से 70 तक जा रहे हैं। इसका मतलब जो स्क्रीन का प्रीव्यू है उससे अगर आप सेम जूम्ड या सेम प्रीव्यू वाले साइज की नेक्स्ट पेज पे आप मूव करना चाह रहे हैं तो आप पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आपकी नेक्स्ट स्क्रीन मूव हो जाएगी। सेम अगर आप पेज अप प्रेस करते हैं तो आपकी जो प्रीवियस स्क्रीन थी आप उस स्क्रीन पे मूव कर जाएंगे। उसके बाद है जी वन स्क्रीन लेफ्ट और वन स्क्रीन राइट। अगर आप alt प्लस पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आप राइट साइड पे मूव करते जाएंगे, अगर आप alt प्लस पेज अप क्लिक करेंगे तो आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। पहले हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो उसके लिए alt प्लस पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आप राइट साइड पे मूव करते जाएंगे उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग, अगर आप alt प्लस पेज अप प्रेस करेंगे तो आप लेफ्ट साइड पे मूव करते जाएंगे। ये थे जी नेविगेट इन सेल के शॉर्टकट कॉम्बिनेशन कीज। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग सेल, फॉर्मेट करने के लिए। अब यहां पे मेरे पास सबसे पहले है फॉर्मेट अ सेल बाय ओपनिंग द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट करने के लिए जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने का शॉर्टकट क्या है, वो है कंट्रोल प्लस वन। अगर आप कंट्रोल प्लस वन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इसमें आप नंबर की अलाइनमेंट की फॉन्ट की बॉर्डर की फिल करने की या प्रोटेक्शन की जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहें इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड और एडिट अ सेल कमेंट। किसी भी सेल में आप कमेंट लिखना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट प्लस एफ टू। अब ये सेल है मेरे पास, अगर इसमें मैं कमेंट ऐड करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्लस एफ टू प्रेस करूंगा। शिफ्ट प्लस एफ टू प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये कमेंट बॉक्स आ जाता है, इसमें मैं लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड, एंटर प्रेस कर देता हूं और जैसे ही मैं इस सेल पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये कमेंट जो है वो शो हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी सेल में कमेंट ऐड कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले द क्रिएटेबल डायलॉग बॉक्स।
टेबल की फॉर्म में किसी भी डेटा सेट को कन्वर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या यूज होती है। लेट्स सपोज यहां मैं लिख देता हूं स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट है जी हमारा, लेट्स सपोज वन है, टू है, थ्री है, फोर है, ये फोर्थ स्टूडेंट्स हैं। सब्जेक्ट हैं जी इनके मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू। अगर मैं इस डाटा सेट में टेबल की फॉर्म का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, इस डाटा सेट को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद दो कॉम्बिनेशन किए, या तो कंट्रोल प्लस एल या कंट्रोल प्लस टी प्रेस करूंगा। कंट्रोल प्लस टी प्रेस किया फिर भी डायलॉग बॉक्स वही आएगा, कंट्रोल प्लस एल प्रेस करता हूं फिर भी सेम ही डायलॉग बॉक्स आएगा। इस पे ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका ये डाटा सेट जो है ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जी यूज द फिल डाउन कमांड टू कॉपी द कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ द टॉप मोस्ट सेल ऑफ अ सिलेक्टेड रेंज इन द सेल्स बिलो। लेट्स सपोज ये एक सेल में मेरा डाटा लिखा हुआ है 9999। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये डाटा सेट जो है नीचे के तमाम जो सेल्स हैं उनमें कॉपी हो जाए वन क्लिक से, तो उसके लिए मैं इंक्लूडिंग दैट सेल और जहां जहां मैंने ये पेस्ट करना है वहां तक उस रेंज के सेल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस करता हूं तो ये मेरा डाउन जो है वो सारे सेल्स में कॉपी हो जाएगा डाटा। अगर मैं इस डाटा सेट को रो वाइज सेल्स में पेस्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस आर प्रेस करूंगा तो मेरा डाटा सेट जो है इस रो वाइज जितने भी सेल्स हैं उनमें डाटा सेट कॉपी हो जाएगा। अब अगर नंबर फॉर्मेट अप्लाई द नंबर फॉर्मेट विद टू डेसिमल प्लेसेस 1000 सेपरेटेड माइनस साइन फॉर नेगेटिव वैल्यूज। लेट्स सपोज मेरे पास ये डाटा सेट है 4569 8.2356। अब ये मेरे पास एक डाटा सेट है और मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं 1000 सेपरेटर भी हो टू डेसिमल प्लेसेस तक आए और माइनस का साइन आए नेगेटिव वैल्यूज के लिए, उसके लिए कॉम्बिनेशन की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। सेल को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क जो मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये 1000 सेपरेटर आ जाएगा, टू डेसिमल प्लेसेस तक मेरा डाटा सेट जो है वो सेट हो जाएगा। मेरे पास रैंडमली नंबर है, मैं ये चाहता हूं कि इस डाटा सेट को मैं टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, उसके लिए क्या प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट प्रेस करूंगा तो मेरा ये डाटा सेट जो है वो टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे पास रैंडम डाटा सेट है और ये मैं चाहता हूं कि इस डाटा सेट को मैं डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, उसके लिए जो शॉर्टकट की है वह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग, कंट्रोल शिफ्ट एंड हैशटैग प्रेस करता हूं तो ये मेरे पास डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर इसी तरीके से रैंडम नंबर है इसको मैं करेंसी के अकॉर्डिंग जो करेंसी का सिंबल है या अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग देखना चाहूं तो उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो डॉलर का साइन है इसको प्रेस करूंगा तो मेरा करेंसी की फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक रैंडम नंबर को परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज तो ये मेरा डेटा जो है वो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है जी मैं एक रैंडम डेटा सेट है इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, साइंटिफिक नंबर की फॉर्म में, तो उसके लिए क्या करूंगा सेल को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस कैरेट साइन जो है इसको प्रेस करूंगा तो मेरा ये डेटा जो है साइंटिफिक फॉर्म में या साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी मेक सिलेक्शन एंड परफॉर्म एक्शन। सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो आपकी वर्कशीट के जितने भी सेल्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक और है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार जब आप प्रेस करेंगे तो भी आप अपनी वर्कशीट के जितने भी सेल्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सेकेंड मेथड हो गया।
इसके बाद है जी एक्सटेंड द सिलेक्शन ऑफ सेल्स बाय वन सेल, एक सेल से नेक्स्ट जो भी सेल्स हैं आप अपनी सिलेक्शन को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट पे क्लिक करके एरो साइंस को यूज करें और अपनी सिलेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप अपसाइड एरोज और राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले जो एरोज हैं उन कीज को यूज करते हुए अपनी सिलेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद है जी सिलेक्ट मेनी सेल्स, एक से ज्यादा सेल्स आपने सिलेक्ट करने हो बट वो अगर एक साथ जुड़े हुए ना हो, मतलब कि वो एक साथ ही नहीं मौजूद, वो आप डिफरेंट प्लेसेस के सेल्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप एक सेल को सिलेक्ट करें, कंट्रोल को प्रेस करके आप जितने भी रैंडम प्लेसेस पे जो सेल्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। बस करना क्या है, आपने कंट्रोल को प्रेस करे रखना है और विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट की ऑफ माउस आप उन डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी स्टार्ट अ न्यू लाइन इन द सेम सेल, एक ही सेल में आप अगर न्यू लाइन जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज यहां पे मैं लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड, इस सेल में अगर मैं लिखने के बाद एंटर प्रेस करूं वो तो फिर नेक्स्ट सेल पे मूव कर जाएगा, बट मैं ये चाहता हूं कि यहां पे मैं नेक्स्ट लाइन ऐड करूं, तो क्या करूंगा मैं इस पे क्लिक करने के बाद आल्ट प्लस एंटर प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पे मैं लिख देता हूं हाउ आर यू, तो ये मेरी सेकंड लाइन एडिट हो जाएगी। अब इसको फॉर्मेट करके देखते हैं, तो ये आप देखिए यहां पे हेलो वर्ल्ड के बाद हाउ आर यू जो है वो सेकंड लाइन आ गई है। नेक्स्ट है फिल द सिलेक्टेड सेल रेंज विद द करंट एंट्री, मतलब कि आपने एक सेल रेंज जो है सिलेक्ट की है, लेट्स सपोज ये मैं सेल रेंज सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि जो एंट्री में अभी लिखूं किसी भी सेल में वो सारे के सारे सेल्स में पेस्ट हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहां पे एंट्री लिख देता हूं 9999 और उसके बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करता हूं तो ये सारे के सारे सेल्स में जो सिलेक्टेड रेंज थी उसमें डाटा जो है वो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद है जी सिलेक्ट इंटायर कॉलम, आप किस तरीके से इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए है आप किसी भी सेल में किसी कॉलम के किसी भी सेल में सिलेक्ट करके उसके सेल को, उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करें तो आपका इंटायर कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी भी इंटायर रो को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी सेल पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करें तो आपकी इंटायर रो जो है सिलेक्ट हो जाएगी। कंबाइन विद शिफ्ट टू कॉपी आइटम्स, अगर आप लास्ट सेल में मौजूद हैं और आप इस सारे के सारे डाटा सेट को सिलेक्ट करना चाहें तो अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम को प्रेस करें तो आप सारे के सारे डाटा सेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड को प्रेस करें तो आप फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक सारे डाटा सेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वो तमाम के तमाम शॉर्टकट कीज थी जिनको यूज करते हुए आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हैं।